रेडी 1 2 3। कितने बजे आओगे सुबह? यहाँ पे आए हैं, पता नहीं खिमाड़ी का कौन सा साइड है, बट यही हमारा प्री वेडिंग भी हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो जो है ये इगास के दिन का है। उत्तराखंड में इगास पर्व मनाया जाता है। दो मान्यताएं इसकी होती हैं। पहला कि जब राम जी 14 साल बाद वनवास होके आए थे, तो उनके 12वें दिन में यहाँ पे पहाड़ों में पता चला था कि वो वनवास से घर आ चुके हैं, इसलिए उस दिन मनाते हैं और बहुत सारा भेलू और बहुत कुछ खेला जाता है, पकवान पकाए जाते हैं। दूसरा कि जब तिब्बतियों के साथ में हमारे यहाँ जो माधव सिंह भंडारी थे सेनापति, वो युद्ध के लिए गए थे, तो वो दिवाली तक नहीं आए थे। दिवाली के 11-12 दिन के बाद वो वापस आए थे। तो उस दिन वहाँ के जो महाराजा थे पहाड़, हमारे पहाड़ के, उन्होंने फिर दिवाली का पर्व मनाया था उनके आने की खुशी में। और आज तुलसी विवाह भी है, तो ये सारी चीज़ें करी और मैंने यहाँ पे दिए लगाए। ये भी रैप कर रही है, मैं आपको उसका गाना सुनाती हूँ। तो आज हैप्पी इगास, आप सभी लोगों को इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आ गए हैं और मैंने अंकित के लिए एक जैकेट मंगवाया था इनके लिए, तो अब मैं इन्हें सरप्राइज दूंगी और मैं बताऊंगी नहीं कि मैंने क्या मंगवाया। ये आपका इगास दिवाली का गिफ्ट। आज अच्छे टाइम पे आया है, मैंने आपसे बिना पूछे करा था ऑर्डर। देखना मैंने मंगवाया था एक, क्या है क्या ये, हाँ एक HRX का जैकेट मंगवाया था मैंने। पता नहीं कैसे लगेगा अंकित को, कैसे लगा ये स्वेटर भी अच्छे टाइम पे आई, लेकिन जैकेट तो आज हमारी गढ़वालियों की दिवाली के दिन आई। कैसा लगा? मैंने सोचा आपको भी दे देती हूँ कुछ गिफ्ट। ठीक लगा? ब्लैक आपके पास ऑलरेडी है इसका सेम, कैसी लगी? पहन के भी दिखाओगे? हाँ, क्या अभी तो आए हैं ऑफिस से। ये कीवी ने दिया पापा को, या आपने दिया ना पापा को? बचपन में आप पापा को प्यार करते हो? कैसे करते हो? उसने दत्त खोलने नहीं दिया, उसने मुझे पापा आएंगे कि पापा खोलेंगे। ये पापा की बच्चे, पापा को बहुत प्यार करती है ये लड़की। थैंक यू, वेलकम। द नेक्स्ट डे, तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग घूमने चले गए थे, मतलब हमारे फ्रेंड थे उनके साथ में, वो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसने अचानक से ही बोला कि आज थोड़ा सा आउटिंग करके आते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। नेताजी हमारे, और वो है कीवी का फ्रेंड। मेरी TRP नहीं, ये है प्रिया, ये मेघा और इडी और छोटे नेताजी। ये है गड़ी कैंट का किमाड़ी एरिया, किमाड़ी है ये। मैं दिव्या दी औरों के साथ भी आई थी, चले यहाँ पे मोमोज खाने। चलो वेदू, चल बेटे मम्मा के हाथ पकड़ना है। क्या है बेटे? नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, जाओ वेदू के हाथ। वेदू नहीं, देखो
ये लोग आए हैं, पहले यहाँ पे मोमोज मिलते हैं, मोमोज खाने आए हुए हैं। नॉर्मल है वो। वो मोहतरमा। चलो एक जहाँ पे प्रिया ने मोमोज के लिए बोला था वो शायद बहुत अच्छे बनाती है, वो पहले भी वहाँ पे खा चुकी थी किमाड़ी में एंटर होते ही। उसके बाद हम लोग कोई रिजॉर्ट देखे थे अच्छा था, तो फिर एक रिजॉर्ट हमें मिला, यहाँ पे भी शादी हो रही थी तो हम वापस चले गए यहाँ से। यहाँ पे आए हैं, पता नहीं किमाड़ी का कौन सा साइड है, बट यही हमारा प्री वेडिंग भी हुआ था। अरे वो चंद्र यहाँ पे, ये प्रेग्नेंट थी प्रिया, उसका 9th मंथ चल रहा है अभी, डिलीवरी बस आसपास में ही है इसकी। यहाँ पे इसके साथ एक रील बनाई हमने। रेडी 1 2 3 कितना मजा आओगे सुबह मैं तो चुप चल ठीक है, इधर आओ, एक ब्लॉग में सबको निकालो, हम सबको बोलो दोबारा से, बोलो क्या किया? ऐसे कला हाँ, फिर हाँ। कभी कभी ऊपर कला, फिर उसके बाद टी चले जो सब्सक्राइब ताला लगा हुआ पिता, और उसके बाद वेदू को प्यार कर दो। हे वेदू, उसको देखो समझ नहीं आया बच्ची को। नहीं नहीं वो बोल रहा था कि मैंने मैम को शिकायत की भी, उसे डांटा, बता रहा मुझे अपनी बेटी की बातें सुनो, वो उसे 2 दिन से और हमें कुछ नहीं बताती है स्कूल घर का, वो 2 दिन से सदमे में है, कह रहा मुझे उसने धक्का दिया, मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ, लखन लखन कह रहा है, छोटा यही होगा वैसे पास में। और फिर यहाँ पे ना एक दूसरे की शक्ल भी हमें नहीं दिख रही थी, सिर्फ मैगी वाले के पास में लाइट थी और कुछ भी लाइट नहीं थी, और हमें पता भी नहीं चला कि यहाँ पे ऊपर साइड में लड़के लोग ड्रिंक वगैरह भी कर रहे हैं। और बाघ का डर इतना हमें लग गया था कि मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ आपको भी वीडियो में, हम लोगों के साथ में बच्चे थे इसलिए हम डर रहे थे। और फिर हम फटाफट यहाँ से निकले, आगे एक रिजॉर्ट था हम लोग वहाँ पर गए, तो फिर हमने यहीं पर ही डिनर वगैरह भी किया। तो ये यहाँ पे हमें एक रिजॉर्ट में आए हुए, और अच्छा लगा है कि माड़ी साइड में ही है, देहरादून के साइड में। ये देखो ब्लू लाइट से, ये देखो ये हमारे साथी जन, और ये बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ और तो फायदा नहीं उठाना मैंने जब मैं आ रखी हूँ तो। डिनर कर लेते हैं, क्या कर रहे वेदू? तो फिर डिनर वगैरह करके हम लोग घर चले गए थे, और जब डिनर आया तो मैं वीडियो बनाना ही भूल गई क्योंकि गप्पों में इतने मग्न हो गए थे। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर तो है लेकिन ठंडा भी बहुत है, हवा भी काफ़ी चल रही थी, तो हम लोग फिर टाइम से अपने घर के लिए निकल गए थे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं सीधे नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय।